हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों, आजकल की जितने भी स्मार्टफोन हैं, सभी स्मार्टफोन में एक प्रॉब्लम कॉमन है। आज मैं दो स्मार्टफोन हाथ में लेके बैठा हूँ, दोनों का सेम प्रॉब्लम है। दोनों का स्क्रीन के जो है ऊपर का डिस्प्ले और स्क्रीन का है, दोनों टूटा हुआ है। आपके पास भी स्मार्टफोन होगा, चाहे वो बहुत ज़्यादा प्राइस का हो या मिड रेंज का जो फ़ोन आता है वो हो या फिर लो प्राइस का हो, यार ये प्रॉब्लम हर फ़ोन में है। हाथ से गिरते ही टूट जाता है, स्क्रैच आ जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फ़ोन का डिटेल शेयर करूंगा जिस फ़ोन का कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ा कंपनी है और ये दावा कर रहा है इसका जो आने वाला फ़ोन है वो ना तो इसमें स्क्रैच आएगा और ना ही ये टूटेगा। यार आप लोग सोच रहे होंगे कहीं ये फ़ोन अंबुजा सीमेंट से तो नहीं बना है। टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। नहीं, अंबुजा सीमेंट से नहीं बना है, मजाक कर रहा हूँ। ये फ़ोन जो है नॉर्मली जैसा फ़ोन बनता है वैसा ही फ़ोन है, बट कुछ इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से ये फ़ोन जो है कंपनी दावा कर रहा है ना तो इसमें कोई स्क्रैच आएगा और ना ही ये फ़ोन टूटेगा। दोस्तों, मेरे हाथ में जो दो फ़ोन है ये वो फ़ोन नहीं है, जस्ट मैं दिखाने के लिए ये फ़ोन हाथ में लिया हूँ कि हर फ़ोन में ये डिस्प्ले टूटना, क्रैक आना, स्क्रैच आना हो जाता है। लेकिन आज जिस फ़ोन के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ, जिस फ़ोन के बारे में आपसे बताने वाला हूँ, उस फ़ोन का कंपनी दावा कर रहा है वो फ़ोन जो है बिल्कुल नहीं टूटेगा, स्क्रैच प्रूफ है, डिस्प्ले भी नहीं टूटेगा उसका। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो एंड तक देखे ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आए कि इस फ़ोन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा। ये क्लिप जो है इसी कंपनी ने रिलीज़ किया है और इसमें इस फ़ोन को एक टेस्ट किया गया है, यानी कि नॉर्मली जैसे ऐड बनाता है कंपनी ने टेस्ट करके एक ऐड बनाया और इसमें दिखाया कि ये फ़ोन का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जो है वो किया है और टेस्ट करके दिखाया ये फ़ोन कितना स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही जाना माना कंपनी है, मैं कंपनी के बारे में भी आगे बताऊंगा। और अगर ये क्लिप देख के किसी को समझ आ जाए कौन सा कंपनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही जाना माना और बेहतरीन कंपनी है, ये कंपनी दावा कर रहा है इसका फ़ोन जो है ये कभी टूटेगा नहीं, ना तो इसको स्क्रैच आएगा। दोस्तों, ये आगे क्लिप देखिए, क्लिप देखने के बाद हम इस फ़ोन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने क्लिप में, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सा फ़ोन का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नोकिया का। दोस्तों, नोकिया जो है एक ज़माने में, एक टाइम में, नोकिया जो है ज़माने के या टाइम के, एक टाइम में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में लीडर्स था। लेकिन ये जो बीच का दौर है दोस्तों, नोकिया काफ़ी पीछे छूट गया, लेकिन अभी धीरे धीरे नोकिया कमबैक करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर नोकिया ने एक नया फ़ोन लेके आया है जिस फ़ोन को लेके वो दावा कर रहा है कि ये फ़ोन जो है बहुत ही मज़बूत है, यानी कि बता रहा है कि दुनिया का ये सबसे टफेस्ट फ़ोन होगा, यानी कि टफेस्ट स्मार्टफोन होगा। ऐसे तो नॉर्मली बहुत सारे फ़ोन हैं जैसे आपका, काफ़ी कंपनी दावा करती है कि उसका फ़ोन टफेस्ट है, लेकिन यहाँ पे जहाँ नोकिया का बात करें तो नोकिया का एक भरोसा है लोगों के ऊपर, और लोगों का नोकिया के ऊपर एक भरोसा है। उस भरोसे के तहत देखें तो नोकिया का फ़ोन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर नोकिया बोल रहा है कि इसका ये जो फ़ोन है ये ना तो स्क्रैच आएगा, ना ही इसमें डिस्प्ले टूटने का डर है, ना ही इसमें स्क्रैच आने का डर है, यहाँ तक कि ये फ़ोन जो है अंडर वाटर 1 घंटे तक काम करेगा। दोस्तों, यहाँ पे नोकिया का जिस फ़ोन का बारे में बात कर रहे हैं उस फ़ोन का मॉडल है नोकिया XR20। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन का मॉडल है XR20, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, यहाँ फ़ोन में आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ये फ़ोन जो है ये लॉन्च होगा अगस्त और सितंबर के बीच में, ये फर्स्ट US में लॉन्च होगा और जिसका इंडियन प्राइस लगभग 41,000 के आसपास होगा। लगभग 41,000 के आसपास ये प्राइस जो है US में मिलेगा इस प्राइस में। लेकिन इंडिया में आने के बाद इसका क्या प्राइस होगा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये फ़ोन जो है अगस्त और सितंबर के बीच में ही US में लॉन्च कर दिया जाएगा। जहां तक कंपनी दावा कर रहा है ये फ़ोन जो है ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट फ़ोन होने वाला है, टफेस्ट फ़ोन कहे तो टफेस्ट स्मार्टफोन, जो दिखने में तो नॉर्मल स्मार्टफोन जो जैसा ही होगा, लेकिन ये फ़ोन जो है बहुत ही टफ होगा, जो ना तो स्क्रैच आएगा इसमें, ना ही ये जो है टूटेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू भी किया है और टेस्ट करके देखा है कि ये फ़ोन जो है सच में काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, जो टूटता नहीं है, स्क्रैच नहीं आता। लेकिन इसका भी कुछ स्पेसिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन के ऊपर बुलडोज़र चला दो तो फ़ोन टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं। नॉर्मली जैसे किसी के हाथ से गिर जाता है तो नॉर्मली जो भी आईफोन वगैरह हो, नॉर्मल फ़ोन हो गया और स्क्रैच हो जाता है, टूट जाता है। भले ही आपके पास कितने भी बेहतरीन डिस्प्ले क्यों ना हो, सुपर एमोलेड कहे या फिर गोरिल्ला ग्लास, कितने सारे आ गए, लेकिन हर डिस्प्ले जो है टूटता है, स्क्रैच आ ही जाता है। जहाँ पर नोकिया दवा कर रहा है इसका ये फ़ोन जो है ये स्क्रैच प्रूफ होगा या डिस्प्ले टूटने का डर नहीं होगा। तो दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी को लेकर कंपनी यहाँ पे दावा कर रहा है कि ये जो फ़ोन है दुनिया का सबसे टफेस्ट फ़ोन होने वाला है और ये जो फ़ोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें स्क्रैच नहीं आएगा, ये फ़ोन टूटेगा नहीं,
हालांकि कुछ कंडीशन है इसके अंदर ही, मैंने जैसे आपको बताया कि आप इस पर बुलडोज़र नहीं चला सकते, या फिर आप ऐसा नहीं है कि बहुत ज़ोर जोर से दीवार पर पटक रहे, ऐसा मत कीजिए। जैसे नॉर्मल हालात में फ़ोन हाथ से गिर जाए, जो फ़ोन टूट जाता है, उसके हिसाब से कंपनी दावा कर रही है कि इस कंडीशन पे फ़ोन जो है स्क्रैच या फिर फ़ोन टूटेगा नहीं। अभी चलिए इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। बाहर से तो कंपनी दावा कर रही है फ़ोन स्ट्रॉन्ग है, अंदर से हम जान लेते हैं कि ये फ़ोन जो है कैसा होने वाला है, यानी कि इसका जो है स्पेसिफिकेशन वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकेशन का बात कर लेते हैं। डिस्प्ले जो है इसका 6.67 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है। प्रोसेसर का बात करें दोस्तों, यहाँ प्रोसेसर जो है काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर दिख रहा है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर जो है इसमें लगा हुआ है। ये जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर, ये 4 सीरीज़ का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है और ये 5G फ़ोन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है 5G के मामले में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है इसमें। स्टोरेज का बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज दोस्तों 6GB का रैम है इसमें और 128GB का रोम मिल रहा है आपको इसमें। तो देखा जाए तो स्टोरेज के मामले में भी अच्छा खासा है, गेमिंग के लिए आप गेमिंग देख सकते हैं, 6GB रैम मिल रहा है आपको यहाँ पे। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं कैमरे की तरफ। कैमरा देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो रियर कैमरा है 48 मेगापिक्सल बता रहा है और 30MP, यानी दो कैमरा मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल और 30 मेगापिक्सल का। दोस्तों यहाँ पे वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए कैमरा मिल रहा है आपको 8 मेगापिक्सल का, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बैटरी का बात करें तो यहाँ पे 4630mAh का बैटरी आपको मिल रहा है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी दावा कर रहा है ये फ़ोन जो है एक बार आप चार्ज करेंगे तो 2 दिन जो है नॉनस्टॉप चलेगा। तो ये रहा इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपने स्पेसिफिकेशन भी देख लिया फ़ोन का। अभी ये फ़ोन कितना स्ट्रॉन्ग है सच में पता लगाने के लिए फ़ोन आने का इंतज़ार कीजिए। जब मार्केट में ये फ़ोन आ जाएगा उसके बाद आप हाथ में लेके ही पता लगेगा आपका ये फ़ोन कितना स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसा मत कीजिए कि फ़ोन लेके दीवार में पटक दिया या फिर गाड़ी के नीचे रख दिया, ऐसा नहीं। कुछ कंडीशन के तहत, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आप फ़ोन में बात कर रहे हैं या फ़ोन चला रहे हैं, हाथ से गिर जाता है, फ़ोन टूट जाता है, उस कंडीशन में कंपनी दवा कर रही है जो फ़ोन है ये टफ है और इसका जो स्क्रैच प्रूफ वगैरह बता रहा है इसी कंडीशन के तहत बता रहा है। यहाँ तक कंपनी ये भी बता रहा है कि फ़ोन अंडर वाटर अगर 1 घंटे पानी के नीचे भी रहेगा तो भी वहाँ पे काम करेगा ये फ़ोन। ऊपर से ये फ़ोन का जो बैटरी क्वालिटी है ये भी नोकिया बोल रहा है 2 दिन तक चलेगा एक बार चार्ज करने के बाद। जहाँ तक नोकिया का बात कर रहे हैं दोस्तों, नोकिया पे हम भरोसा कर सकते हैं। इससे पहले भी जो सबसे टफेस्ट फ़ोन था, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसको भी नोकिया ने ही बनाया था। इसके ऊपर काफ़ी मेम भी बनता है कि ये फ़ोन जो है दोस्तों बहुत ही टफ है। आपको भी पता होगा, आपने अगर इस फ़ोन को चलाया होगा, किसी ने अगर चलाया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये फ़ोन के बारे में आपको लेके कुछ मेमोरीज़ होगा इस फ़ोन को बारे लेके। काफ़ी लोगों को इस फ़ोन को लेके मेमोरीज़ है, तो आपका क्या मेमोरी है ये फ़ोन को लेके, जो नोकिया का पहला सबसे टफेस्ट फ़ोन था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से नया नया टेक और इन्फॉर्मेशन वीडियो चैनल पे आता रहेगा। अगर आपको इस तरह से नए नए टेक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के बारे में जानना है, देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मेरा वीडियो जो है आपको कुछ नया नॉलेज और नया इन्फॉर्मेशन देता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।